Good morning, students. Welcome to our online class, and this is of class 5. And I hope you are watching me for the first time and through this online class, right? So this is an online class for class 5. So I'll be your English teacher, and since it is an online class, it will not be possible for me to meet you right now, right? So I hope you are watching this online class through YouTube platform. तो मैं आपका नया इंग्लिश सर हूँ. मेरा नाम मनोज माथ्यू एंड माई नेम इज मनोज माथ्यू. सो वी टुगेदर विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इन एन ईजी एंड बेटर वे. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1. क्लास 5 का स्टूडेंट इंग्लिश लिसन करके समझना, आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट स्टिल मैं आपको काफी चीज इंग्लिश में और हिंदी में एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ. दिस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको काफी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या क्या मेन लर्न करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो यू हैव टू गेट ए क्लियर विजन, a clear idea on why do we learn English language. देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हो? देखो आप अभी क्लास 5th में आ गए हो, और इस साल ड्यू टू COVID-19 की वजह से आपको अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास से सब कुछ सीखना है ना. काफी टाइम ऐसे ही चलेगा, एंड थोड़ा टाइम के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद आप स्कूल में आना शुरू करेंगे. जैसे नॉर्मल थे वैसे आपको सब कुछ हो जाएगा. सो जैसे आप अभी ऑनलाइन सीख रहे हो, तो एक बड़ा फायदा क्या होता है, जो भी आपका लेक्चर है ऑनलाइन में हो, वो आपको एक बार देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो टीचर्स को पूछने की अलावा आपको क्या करना है, जो ये आप लेक्चर जो भी देख रहे हो आपको फिर से देखना है. ठीक है, एक बड़ा एडवांटेज होता है जो ऑनलाइन क्लास का. अभी और आप क्लास में होते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, जब आप आपकी टीचर जो कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो आप खड़े होके पूछ सकते हैं. ठीक है, एक डिसिप्लिन तरीका होता है, राइट? सो अभी आप खड़े होके कुछ भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप घर पे बैठ के सब कुछ सीख रहे हो. तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये जो वीडियो के नीचे कमेंट ऑप्शन है, तो कमेंट ऑप्शन में आप पूछ सकते हो, ताकि आपका कोई भी डाउट क्लैरिफिकेशन कहाँ चाहिए तो मुझे समझ में आएगा, राइट? सो इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश से इंग्लिश थ्रू इंग्लिश, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, राइट? तो काफी चीज मैं आपको एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इंग्लिश में दे दूंगा, एंड जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं हिंदी में भी समझूंगा. सबके लिए तो इंग्लिश में और हिंदी में बहुत लैंग्वेज यूज करेंगे, राइट? काली काली हिंदी में सब कुछ पढ़ा के जाएगा ना, तो क्या होता है, आपका लिसनिंग कैपेसिटी इंग्लिश का वो बढ़ेगा नहीं. ठीक है, आप इंग्लिश में सुनेगा तो क्या होता है, काफी चीज आप लिसन करेगा जो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या, आपका लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा धीरे धीरे उतनी लेवल में पहुंचेंगे ताकि आप एक बार लिसन करने से सब कुछ समझ में आए. दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग इन इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू लिसन, व्हाट एवर यू हियर, so that your learning process will be very smooth and perfect. Fine. So in this first lecture, I just want to ask you one simple question. The simple question is, why do you learn English language? I will write it on the board. Why do you आप क्यों इंग्लिश सीखते हो? Why do you learn English? This is a simple question, right? So आप क्लास 5th में आ गए हो, और आपके लिए क्वेश्चन इतना बड़ा नया नहीं है, बट स्टिल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि आप इंग्लिश का हर चीज जो बेसिक लेवल से धीरे धीरे अपर लेवल में सीखे आ रहे, राइट? इसलिए जो भी आप सीखे आ रहे उसको मजबूत करने के लिए आपको आपके माइंड को एकदम परफेक्ट लेवल में रखना है, कि जो भी कुछ सीख रहे तो उसके पीछे का रीजन
आपका क्लियर होना चाहिए. सो कैन यू जस्ट गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं. तो दिन जी साहब अपना माइंड में सोच लो और 4 to 5 आइडियाज आपके मन में जो भी आइडियाज आ रहे हैं नोटबुक में लिख के जाइए. ठीक है. सो वेन एवर देर इज अ लेक्चर ऑफ इंग्लिश और नॉट ओनली इंग्लिश और ऑल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू कीप अ नोटबुक एंड पेन एंड पेंसिल विथ यू, राइट. सो इन माई क्लास यू हैव टू कीप पेन एंड पेंसिल बोथ. आई प्रीफर यू राइट विथ पेन एंड पेंसिल बोथ, सो ओके नो प्रॉब्लम. बट वेन देर इज ए क्वेश्चन और वेन एवर समथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड, देन यू हैव टू कॉपी डाउन इट. ओके, अपना पर्सनल नोटबुक में आपको कॉपी करके प्रैक्टिस करना है, राइट. So just write down the answers that come to your mind to this question, why do you learn English language. उसके बाद जो मेरा experience है, काफी साल के experience में मैंने जो questions का answer जो students से मिला है मैं आपके साथ share करूँ. ठीक है. सो आप सोच लो और आपकी ideas जो भी है आपकी notebook में लिख के जाइए. ये वीडियो पोस्ट करके भी आप लिख सकते हो. देन चलो अभी मैं जो भी एक्सपीरियंस मेरा है जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली बोला गया. ठीक है. अब वन थिंग दैट नॉर्मली स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड विद मी व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, तो उन लोग ऐसा बोला है, सर हम फॉरेन कंट्रीज में जाके उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं. फॉरेन कंट्रीज में भले नहीं जाएगा तो भी जो फॉरेन लोगों की मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से जो लोग हमारे देश में आता है उन लोगों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, राइट. सो वी कैन टॉक टू एनीवन. इफ यू नो इंग्लिश देन वी कैन टॉक टू एनीवन, राइट. इन दिस वर्ल्ड वी कैन टॉक टू एनीवन. So this is one of the advantages of learning English. And have you ever thought this idea? If it is then, it's good. Your level of thinking is just increasing. And the second thing that students normally have explained to me when I ask this question, they say that we can watch English movies and understand whatever the dialogues, the heroes and heroines, and all the actors in that movie speak. Okay, so we can watch English movies. देखो ये जो चीज मैं अभी इधर लिख रहा हूँ जो मेरा क्लास की जो स्टूडेंट्स है जो फिफ्थ स्टैंडर्ड की स्टूडेंट्स मेरे साथ जो भी शेयर किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. और आपके मन में भी ऐसा आया होगा, शायद इससे भी अलग नया नया आइडियाज आया होगा, तो आप नोटबुक में लिख के रखना. ठीक है. तो वन अदर एक्सपीरियंस माय स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी शेयर विद मी इज दैट दे टोल्ड मी दे कैन वॉच इंग्लिश मूवीज एंड अंडरस्टैंड व्हाट द मूवी इज. दिस इज वन अदर थिंग. एंड अनदर वन थिंग इज दैट if they know English language they can read anything and everything. If they know English language then they say that sir we can read anything. Sir हमको अगर English आ गया होता ना तो हम दुनिया की कोई भी books, कोई भी subject का books हम बैठ के रीड कर सकते हैं, कुछ भी बुक्स. तो हमारे इंग्लिश अच्छा है तो हम रीड करके समझ सकते हैं ना. तो ये बड़ा फायदा होता है अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो तो. तो हमारा इस साल का मेन टारगेट क्या होना चाहिए आप बताओ. हमारे इस साल का हमारे स्कूल में जो मेरे साथ जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ हम अभी एक डील करते हैं और एक टास्क हमारा एक ड्रीम अभी परफेक्ट करते कि इस साल पूरा आप मेरे साथ ओनली इंग्लिश में ही बात करेंगे. ओके. अगर आपका कोई भी डाउट्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको हिंदी में मेरे साथ डाउट क्लियर कर सकता है.
ऐसा जरूर नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सर ने बोला इंग्लिश में ही बात करना है तो सर के साथ कैसे हिंदी में बात करके डाउट पूछ सकते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको इंग्लिश में पूछना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तब हिंदी में पूछ सकते हो, ठीक है। और एक डाउट एक बार या कोई भी डाउट टू टाइम्स, फाइव टाइम्स, टेन टाइम्स या हंड्रेड टाइम्स आपको इंग्लिश में पूछने नहीं आया तो आप हिंदी में पूछ के 101 टाइम आपको धीरे सीखना आएगा कि सर के साथ या किसी के भी साथ इंग्लिश में कैसे पूछना है और कैसे बात करना है, तो नॉर्मली आ जाए, ठीक है। तो छोटा छोटा मिस्टेक्स कर लो, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मिस्टेक गलती करके करके हम परफेक्ट इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, सो एक हमारा ड्रीम है और हमारा एम है इस साल का कि आप क्लास में इंग्लिश में बात करेंगे और मेरे साथ भी और दूसरे टीचर्स के साथ भी, और इंग्लिश स्पीकिंग करेगा तो ही हमारा स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। रीजन में क्यों ऐसा बोला मैं बताता हूँ। आपके घर पे आप हिंदी में या गुजराती में बात, आप मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फिफ्थ इज फ्रॉम दिस लोकल एरिया ओनली, राइट। सो आई होप दैट यू स्पीक ओनली गुजराती एट होम, घर पे गुजराती में ही बात करते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहन के साथ थे? और आप ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? घर पे ही, सुबह से लेकर दोपहर तक नॉर्मली आप पढ़ाई के लिए स्कूल में आते, तो उस टाइम में भी अगर आप गुजराती में या इंग्लिश या हिंदी में ही बात करेगा तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव होने का चांसेस बहुत कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? अगर आप पूरा दिन इंग्लिश यूज नहीं करेगा, इंग्लिश में नहीं सुनेगा या इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करेगा या ट्राई नहीं करेगा तो आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको एक मौका मिलेगा कुछ भी बोलने के लिए तो आप इंग्लिश में बोलिए, स्कूल में और आपके दोस्त के साथ, और कुछ भी आपको बात करना है टीचर से तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक। तो इंग्लिश बोलने से आपका फायदा क्या होता है? सबसे पहले आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपको इंग्लिश थोड़ा आता है, ठीक है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, भले नहीं आया तो भी आपकी क्लास की फिफ्थ की लेवल में आपको जितना आता है उतना बात करना है, ठीक है। और कोई आपके सामने देखे हंसने वाला नहीं, और सारे देर बैठा हूँ आप इंग्लिश देखे कोई लेवल जज नहीं करेगा, ठीक है, कोई आपका हंसी मजाक नहीं उठेगा, ठीक है, और आपको भी दूसरे का हंसी मजाक नहीं उठाना है, जितना आता है उतना आपको धीरे धीरे शुरू करना है, उसकी वजह से आप उसके हिसाब से आपका हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, ठीक है। एक बड़ा फायदा होता है आप अगर इंग्लिश में बात करना शुरू करें तो, इंग्लिश में बात करने का एक ही मौका आपको मिलेगा वो हमारा स्कूल में और आपके टीचर्स के साथ, ठीक है। और आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करो, अगर आप में आपको कभी डांटने वाला नहीं, ठीक है, इंग्लिश आपका इंग्लिश अच्छा हो या नहीं अच्छा हो कुछ भी हो, और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो और आपको भी करना क्या है, जो जिस दिन आप हर लेक्चर में आप क्या क्या सीख रहे हो अपना नोटबुक में लिख के हर दिन घर पे जाके रिवाइज करते करते जाना है, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आपको जो भी लर्न किया क्लास में सुना वो आपकी माइंड में सोचना है, वो सोचना किस तरीके से, इंग्लिश में, और धीरे धीरे अपने आपकी माइंड में बात करके करके आपको जो बात करना है वो आपकी माइंड में एक बार क्लियर करके फिर आपको डायरेक्टली बात करने आना चाहिए, ठीक। सो ये प्रोसेस है नॉर्मली आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने का बहुत मदद करेगा, ओके। सो ये एक बड़ा टेक्निक है, सिंपल टेक्निक बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी गुड फॉर यू, फाइन। सो ये क्लास में आपके लिए सुबह 5 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह 5 बजे, मॉर्निंग 5 o'clock। द रीजन व्हाई आई रिकॉर्ड दिस क्लास इज दैट इफ वी वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग देन आवर माइंड एंड बॉडी विल बी वेरी फ्रेश एंड एक्टिव। चेहरे पे थोड़ा बहुत नींद होगा बट स्टिल फिर भी योर माइंड एंड योर थिंकिंग लेवल एंड योर बॉडी कंडीशन
is very active and very fresh. So दिन का कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करे. So the reason why I record this video in the early morning is that there will be lots of fresh thoughts and lots of active ideas that will come to our mind, so that it will be very easy for you and for me to teach and to learn anything very easily. So I don't know at what time you are watching this video, but still, whatever I have said, if you have not understood, you have the option to go backward and listen again. Okay, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ऑप्शन है कि आप थोड़ा पीछे रिवाइंड करके पीछे जाके एक बार फिर से सुनने के. सो दिस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखाया. मैंने आपको क्वेश्चन पूछा व्हाई डू लर्न इंग्लिश एंड काफी चीज मैं आपके साथ शेयर किया जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फिफ्थ स्टैंडर्ड के लेवल में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर किया. आपने भी ऑलरेडी आपकी आइडियाज आपकी नोटबुक में लिख कर रखा होगा. ठीक है, वो आप एक बार रीड कर लो और जो भी चीज आपको सोचता है ना इंग्लिश में सोचना शुरू करो आप से. ओके, और स्पीकिंग कर लो अपने आप. अगर आपके घर पे कोई इंग्लिश में नहीं बात कर रहा या कोई आपकी फ्रेंड्स को इंग्लिश नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप से बात करना शुरू करो. यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ. सो आई राइट हियर ऑन द बोर्ड फॉर यू. Are you able to see this? Talk to yourself. Talk to yourself मतलब आप अपने आप से बात करना शुरू करो. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आप सब किसी आदमी के सामने बात करना. ठीक है, आप घर पे हो या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आप कोई भी काम करते टाइम आप अपने आप से बात करके करके उस वर्ड कोई भी चीज आप देख रहे हो तो उसका वर्ड क्या है इंग्लिश में और उस एक्शन को जो काम कर रहे हो वो काम करने का तरीके को इंग्लिश में कैसे बोलता है या जो भी आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं तो वो दूसरे के साथ किस तरीके से शेयर करना है वो सब आप सोच सोच के इंग्लिश में सोच के एक ऐसा एटमोसफियर बना लो ताकि आप जब भी एक चांस मिलेगा इंग्लिश में बात करने के लिए तो डायरेक्टली सडनली तुरंत आप इंग्लिश में बोल सके. ठीक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप. Talking to yourself, that will definitely help you to improve your English language and your English learning process. So this is the end of almost the lecture number one, and I have given some basic ideas and some of the interaction that we had. So the coming minutes, see, one thing I want to tell you that each lecture will be around 20-25 minutes, maximum 25 minutes, okay? And minimum 20 minutes. So this lecture will be a kind of very positive class for you without any disturbance, because when there is a class you already know that many students will disturb, even though there are many students who are so much interested in learning, but at the same time some other students, naughty students, they will always disturb the class, right? So teachers will waste lots of time guiding and maintaining the discipline of the class. So here that will not happen. If there is a 20 minute lecture, that 20 minute lecture will be purely for you, so that you can just listen and looking at the keeping on the mobile phone or laptop or TV, you can just directly listen what the teacher says and note down what are the teaching going on. So there will not be any disturbance for you. You can just sit and relax and study online very easily. This is the biggest advantages of one of the biggest advantages of online class. So no any bothering, no any disturbance, no any disturbing thoughts should come. Okay, so please stay home, stay safe, and whatever chances are there to improve your English language, you'll have to find yourself. And every day I will be giving you new words, so that new words will help you to improve your English and improve your speaking style and everything.
So in the next lecture we will see, and I will just let you know what are the chapter names and everything. Okay. So stay home, stay safe, have a nice time.